या तो हमें धोखे में रखा जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है, या सरकार खुद शुतुरमुर्ग की हालत में है कि बालू में सर दिया हुआ, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है। देखिए भाई साहब, जो ताजा हमारे पास सूचनाएं आई हैं और जो इस तरह की जो जो निष्पक्ष सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जो सैटेलाइट तस्वीरें भेजी हैं, जो आपको हमारा मीडिया डिपार्टमेंट शेयर करेगा, उसके हिसाब से चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर अब चीन जो है सतह से सतह की ओर मारने वाली मिसाइल के सारे जो है साधन स्टेब्लिश कर रहा है, वहां पे वो सुविधाएं बना रहा है। और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए उसका जो ये मिसाइल का सिस्टम होगा वो सीधे सीधे भारत की सीमा व भारत के लिए जो है बहुत ही खतरनाक बनने जा रहा है। और ये दो जगह विशेष रूप से, डोकलम पास के पास और नाकालू पास, इसके अलावा वो चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत चिंता की बात है। आपको पता है कि जब डोकलम का इशू पार्लियामेंट में, हम भी इस बहस में शामिल हुए थे, बहुत इस समय से चल रहा था, वहां उस समय भी सरकार ने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे नहीं लिए। इस तरह से पूरी सेनाएं वहां पर ये की हैं, डिप्लॉय की हैं, तो उससे हमारी पूरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के लिए खतरा पड़ता है और साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए।